नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर निर्माता शशिधर मुखर्जी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शशिधर मुखर्जी हिंदी सिनेमा के एक भारतीय फिल्म निर्माता थे। इन्होंने 1930 के दशक में बॉम्बे टॉकीज के साथ अपने करियर की शुरुआत की और बाद में 1943 में राय बहादुर चुन्नी लाल, संगीत निर्देशक मदन मोहन के पिता थे ये, और अशोक कुमार और ज्ञान मुखर्जी के साथ फिल्मिस्तान स्टूडियो की स्थापना की। 1950 के दशक में इन्होंने अपना स्वतंत्र स्टूडियो शुरू किया फिल्मालय। उन्हें दिल देके देखो 1959, लव इन शिमला 1960, एक मुसाफिर एक हसीना 1962 और लीडर 1964 जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में शशिधर मुखर्जी मुखर्जी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। शशिधर मुखर्जी को 1956 में जागृति के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1967 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शशिधर मुखर्जी का जन्म 29 सितंबर 1909 को झांसी में एक शिक्षित मध्यम वर्गीय बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था, जो चार भाइयों में दूसरे नंबर के थे। उनके पिता, जो बचपन से ही अमीर थे, इनके पिता ने अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की और सरकारी नौकरी में थे। उसमें परिवार का मनोरंजन व्यवसाय यानी कि फिल्मों से कोई संबंध नहीं था और ना ही कोई व्यापार करते थे। केवल शशिधर और उनके तीन भाई में से दो भाई फिल्म उद्योग में काम करते थे और उन्होंने काफी नाम कमाया। मुखर्जी के छोटे भाई फिल्म निर्देशक सुबोध मुखर्जी और फिल्म निर्माता प्रबोध मुखर्जी थे। उनके बड़े भाई रविंद्र मोहन मुखर्जी थे, जिनका फिल्म उद्योग से बहुत कम संपर्क था, लेकिन जिनकी पोती सफल अभिनेत्री जो आज के जमाने में रानी मुखर्जी है। शशिधर मुखर्जी का विवाह कब हुआ? जब सती देवी मुखर्जी किशोरावस्था में थी, जो उनके अपने बंगाली हिंदू समुदाय की लड़की थी और समान परिवार पृष्ठभूमि के थे। उनके माता पिता ने सामान्य भारतीय तरीके से विवाह कराया। सती देवी के पिता भी सरकारी सेवा में थे और परिवार भी हिंदी भाषा का भरपूर प्रयोग करते थे। नतीजन दोनों परिवार ने हिंदी बोलना चालू किया और ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि ज्यादातर मुखर्जी के प्रभाव के कारण सती देवी के तीनों भाई हिंदी फिल्म उद्योग में अभिनेता और बड़े नाम वाले थे। उनके भाई आदरणीय अभिनेता अशोक कुमार को हम सभी जानते हैं, अनूप कुमार को भी हम सभी जानते हैं और महान गायक एक्टर किशोर कुमार, उन्हें भी हम सभी जानते हैं कि ये बहुत अच्छे अभिनेता थे। शशिधर मुखर्जी ने फिल्म उद्योग में खुद को स्थापित करने के लिए अपने भाइयों और अपने पत्नी के भाइयों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शशिधर मुखर्जी और सती देवी के 6 बच्चे थे, 5 बेटे और 1 बेटी। बेटी का नाम था रोनी मुखर्जी। बेटे थे उनके जॉय मुखर्जी, देव मुखर्जी, शोमू मुखर्जी, शिवानी मुखर्जी और शुभिर मुखर्जी। सुपरस्टार जॉय मुखर्जी सहित उनके सभी बेटे फिल्म उद्योग में सक्रिय थे, हर कोई अलग क्षेत्र में था। उनके कुछ पोते और पोतियां भी इसी तरह शामिल हैं। देव मुखर्जी के बेटे फिल्म निर्देशक अयान मुखर्जी हैं, जिन्होंने ये जवानी है दीवानी जो कि 2013 में रिलीज हुई उसके निर्देशक थे। शोमू ने अभिनेत्री तनुजा से शादी की थी जो कि शोभना सवर्त की बेटी थी। शोमू मुखर्जी को 2 बेटियां थी, जिसमें से एक का नाम है काजोल, जो आजकल की जो प्रसिद्ध अभिनेत्री है, और साथ में है तनिषा, वो भी एक अभिनेत्री है। शशिधर मुखर्जी की ये पोती है। शशिधर मुखर्जी बॉम्बे टॉकीज के निर्माता थे। 1940 में हिमांशु राय की मृत्यु के बाद
अभिनेत्री देविका रानी जो कि हिमांशु की विधवा थी, आपसी टकराव चल रही थी इनकी बॉम्बे टाकीज को लेकर। 1943 में शशधर मुखर्जी ने राय बहादुर चुन्नीलाल, अशोक कुमार और ज्ञान मुखर्जी के साथ एक साझेदारी बनाई और उन्होंने गोरेगांव में स्टूडियो फिल्मिस्तान की शुरुआत की। फिल्मिस्तान में उन्होंने जो पहले फिल्म बनाने की योजना बनाई वो नसीम बानो और अशोक कुमार के साथ थी। फिल्म का नाम था चल चल रे नौजवान। तब तक अशोक कुमार स्टार बन चुके थे। इस स्टूडियो के साथ हसन मंटो, इस्मत चुगताई व पंडित प्रदीप और कई अन्य बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और रचनात्मक लोग फिल्मिस्तान से जुड़े हुए थे। फिल्मिस्तान ने कई सारे लोगों को स्टार बनाया, उनमें से है प्रमुख शम्मी कपूर, देवानंद और कई अन्य स्टार हैं। मुखर्जी ने वहां पर अनारकली, नागिन जैसी अविस्मरणीय और क्लासिक फिल्में बनाई। तुमसा नहीं देखा, मुनीम जी और पेंगेस्ट फिल्म बनाई। उन्होंने नासिर हुसैन को एक निर्देशक के रूप में इस स्टूडियो से तैयार किया। 1950 के दशक में शशधर ने अम्बोली के पास अंधेरी में फिल्मालय स्टूडियो नामक अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाया। उन्होंने एक अभिनय स्कूल भी चलाया, एक एक्टिंग क्लास उन्होंने खोली थी। इसमें से उन्होंने आशा पारेख और साधना जैसे अभिनेत्रियों को फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजीव कुमार भी फिल्मालय एक्टिंग स्कूल की देन है। नासिर हुसैन अपनी प्रस्तुतियों से जुड़े एक निर्देशक थे, जैसे कि आर के नैयर और ज्ञान मुखर्जी यहीं से जुड़े हुए थे। संगीत निर्देशक ओपी नैयर को भी उन्होंने ही मौका दिया था। उन्होंने अपने बेटे जॉय मुखर्जी की फिल्म लव इन शिमला 1960 पे लॉन्च की। उन्होंने अपने बेटे के करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक मुसाफिर, एक हसीना जैसी सुपरहिट फिल्म का निर्माण किया। दिलीप कुमार राजनीतिक भ्रष्ट नेताओं के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहते थे। वो मुखर्जी के पास आए और उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई और इस तरह फिल्म लीडर का निर्माण हुआ। संभवतः ये उनका आखिरी प्रोडक्शन था, हालांकि इसे उनके चचेरे भाई राम मुखर्जी ने प्रोड्यूस किया था। शशधर मुखर्जी का निधन 3 नवंबर 1990 को मुंबई में हुआ। शशधर मुखर्जी द्वारा निर्मित फिल्मों के नाम 1949 में कंगन, 1940 में बंधन, इसके निर्देशक थे N.R. आचार्य और बैनर था बॉम्बे टाकीज। 1941 में झूला, इसके निर्देशक थे ज्ञान मुखर्जी जो उनके भाई हैं। 1954 में जागृति फिल्म बनाई, इसके डायरेक्टर थे सत्यन बोस और ये फिल्म फेयर पुरस्कार पाने वाली फिल्म थी दोस्तों, जो कि 1956 में मिला था। 1955 में मुनीम जी बनाई, इसके डायरेक्टर थे सुबोध मुखर्जी, फिल्मिस्तान की फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने बनाया 1957 में तुमसा नहीं देखा, डायरेक्टर थे नासिर हुसैन, फिल्मिस्तान से बनी थी ये पिक्चर। 1957 में उन्होंने पेंगेस्ट बनाई थी, इसके डायरेक्टर थे सुबोध मुखर्जी, फिल्मिस्तान से ये पिक्चर बनी थी दोस्तों। 1959 में दिल देखे देखो, जिसके डायरेक्टर थे नासिर हुसैन और ये फिल्म फिल्मिस्तान से बनी थी। 1960 में लव इन शिमला, इसके डायरेक्टर थे आर के नैयर। 1962 में एक मुसाफिर एक हसीना, इसके डायरेक्टर थे राज खोसला। 1962 में ही बनी थी लीडर, जिसके हीरो थे दिलीप कुमार और इसके डायरेक्टर थे राम मुखर्जी। 1964 में आई आओ प्यार करें, इसके डायरेक्टर थे आर के नैयर। 1965 में तू ही मेरी जिंदगी, इसके डायरेक्टर थे रोनू मुखर्जी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ